फूड पॉइजनिंग एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसका शिकार हर इंसान कभी ना कभी होता ही है, जिसके कारण वॉमिटिंग, पेट दर्द, लूज मोशंस, सर दर्द और फीवर जैसे सिम्टम्स इंसान को एक दो दिन में ही बेहाल कर देते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तब होती है जब इंसान को समझ में नहीं आता कि ऐसे में क्या खाया जाए और क्या ना खाया जाए जिससे उसकी हालत और ना बिगड़े और वो जल्दी ठीक हो जाए। इस कंडीशन में हमें उन चीजों को ही खाना चाहिए जो हार्मफुल बैक्टीरिया को खत्म कर हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को क्लीन कर सके। ऐसा रूटीन फॉलो करने से आपको एक दो दिन से अधिक नहीं लगेंगे ठीक होने में। जब एब्डोमिनल क्रैम्प्स और डायरिया जैसी सिम्टम्स हो तो बेस्ट है कि उस दिन आप कुछ ना खाकर लिक्विड डाइट पे रहें। और अगर आपको कुछ खाकर ही तसल्ली मिलती है तो बनाना ले सकते हैं, व्हाइट राइस, व्हाइट ब्रेड स्लाइस ले सकते हैं। अवॉइड फाइबर रिच डाइट टोटली। फल सब्जियां खाने की जगह होममेड फ्रूट जूस लें या क्लियर सूप लें ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। सब्जियों को उबालकर खाली उसका पानी ले और टेस्ट को बढ़ाने के लिए नींबू ऐड कर सकते हैं। और फिर कुछ दिन बाद आप सब्जियों को ब्लेंड कर भी ले सकते हैं, फ्रूट्स को ब्लेंड कर ले सकते हैं। जब फूड पॉइजनिंग होती है तो लूज मोशंस के कारण बॉडी से पानी भी अधिक निकलता है, तो ऐसे में अधिक पानी पीना चाहिए ताकि बॉडी में पानी की कमी ना आए। ऐसे में आप उबले हुए पानी में बेसिल लीव्स यानी तुलसी की पत्तियों को डालकर रख सकते हैं, या तुलसी को पानी में उबालकर बॉटल में भरकर रख लें और फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद पीते रहें। तुलसी की एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पेट की गड़बड़ी को ठीक करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। अगर फ्रेश लीव्स ना भी हो तो आप तुलसी एक्सट्रैक्ट को भी यूज कर सकते हैं। जिंजर यानी अदरक को भी स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए बेस्ट माना गया है। इसकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज फूड पॉइजनिंग के बैक्टीरिया को खत्म करने में पूरी तरह सक्षम है। इसके लिए आप जिंजर टी ले सकते हैं या अदरक के जूस में हनी मिक्स कर थोड़ी थोड़ी देर बाद ले सकते हैं। इसके अलावा पेपरमिंट और कैमोमाइल टी भी डायरिया में बहुत इफेक्टिव है। सो इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल टू ड्रिंक हर्बल टीज इंस्टेड ऑफ कैफिनेटेड टी। पेट खराब होने पे गरम गरम चाय ना लेकर उसे थोड़ा ठंडा करके ही पिए। लेमन की एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीवायरल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज आपको फूड पॉइजनिंग के कारण होने वाले डिस्कम्फर्ट से निकालने में पूरा पूरा साथ देगी। लेमन का एसिड उस बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करता है जिसके कारण फूड पॉइजनिंग होती है। गरम पानी में नींबू ऐड कर दिन में 2-3 बार ले सकते हैं। एक लेमन जूस में 2 टीस्पून हनी और काला नमक ऐड कर स्वादिष्ट चटनी बना सकते हैं। इससे वॉमिटिंग नहीं होगी और अगर भूख नहीं लगती होगी तो वो भी लगने लगेगी। हनी में भी एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है जो कि फूड पॉइजनिंग और इनडाइजेशन को ठीक करने में बहुत इफेक्टिव है। वैसे एक बात और बताऊं, अगर खाने में सब्जी आपके मतलब की नहीं बनी है या फिर किसी सब्जी के नाम से ही आपकी भूख खत्म हो जाती है तो इस चटनी के साथ रोटी खाकर देखना मजा आ जाएगा। वैसे भी हनी और लेमन दोनों ही पेट के लिए सूदिंग है। गार्लिक में भी वो सब गुण है जो आपकी बॉडी के गड़बड़ाए हुए सिस्टम को ठीक कर दे। मतलब कि गार्लिक में भी स्ट्रॉन्ग एंटीवायरल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है जो कि पेट दर्द और डायरिया में आराम देती है। लहसुन की एक कली को पानी के साथ ले सकते हैं। और भी अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए लहसुन को बारीक बारीक काट कर उसे पानी में उबाल कर सूप की तरह ले सकते हैं। मेरे जैसे लोगों के लिए जिन्हें लहसुन बहुत अच्छा लगता है उनके लिए स्वाद का स्वाद और सेहत भी बढ़िया। एप्पल साइडर विनेगर भी बैक्टीरिया को खत्म कर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को नॉर्मल करने में मदद करेगा। 1 गिलास पानी में 1 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर का मिक्स करें और दिन भर थोड़ा थोड़ा लेते रहें। एप्पल यानी सेब की प्यूरी भी पेट के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें पेक्टिन फाइबर होता है जो लिक्विड को एब्जॉर्ब कर जेल सा बना देता है और लूज मोशंस में आराम देता है। सेब को एज इट इज खाने से उसका फाइबर पेट में गड़बड़ी कर सकता है, इसलिए उसके पीसेस को ग्राइंड कर प्यूरी बनाकर खाना ही बढ़िया चॉइस है। जब आपको हालात बेहतर लगने लगे और आपको भूख लगने लगे और आपको लगे कि अब आप कुछ खा सकते हो तो ऐसी चीजों से स्टार्ट करें जो आपके स्टमक को इरिटेट ना करें, जैसे कि बनाना, मैश्ड पोटैटो, एग वाइट, व्हाइट राइस, व्हाइट ब्रेड एटसेट्रा। बार बार लूज मोशंस होने के कारण पेट में इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बिगड़ जाता है। केले में पोटेशियम अच्छी मात्रा में होने के कारण ये इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस को बनाए रखने में मदद करते हैं। केला इंटेस्टाइन्स में भी गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ावा देता है। राइस और पोटैटो दोनों ही स्टार्ची फूड हैं जिनमें फाइबर बहुत कम होता है और ये बॉडी में आराम से डाइजेस्ट हो जाते हैं और बॉडी को एनर्जी भी देते हैं। बस इस बात का खास ध्यान रखें कि इन्हें घी और ऑयल का तड़का ना लगाएं। चावल उबालकर दही के साथ खा सकते हैं, आलू उबालकर खा सकते हैं। पेट खराब के दौरान अनाज भी खाएं तो प्रोसेस्ड ही खाएं, यानी छिलके के बिना, जो आपकी इंटेस्टाइन यानी आंतों पर भारी ना पड़े।
होल व्हीट ब्रेड की जगह व्हाइट ब्रेड को प्रेफर करें ताकि वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए, लेकिन ये सब तब तक ही करना है जब तक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम नॉर्मल नहीं हो जाता। दही खाने से डाइजेस्टिव सिस्टम में गुड बैक्टीरिया का बैलेंस बना रहता है, इसलिए दही खाना पेट के लिए काफी फायदेमंद है। दही में केला डालकर खा सकते हैं, जीरे को रोस्ट कर पीस कर उसे दही के मठे में मिलाकर दिन में 2-3 बार ले सकते हैं। इसमें आप फ्रेश पुदीना पत्तियां या पुदीना पाउडर भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत फायदेमंद है। कितनी टेस्टी टेस्टी चीजें मैंने बता दी आपको डायरिया की प्रॉब्लम से आराम पाने के लिए। और ऐसा भी नहीं कि ये चीजें मिलनी मुश्किल है, बहुत सी चीजें तो आपको अपनी किचन से ही मिल जाएंगी। अब ये भी जान जाइए कि क्या नहीं खाना है। फाइबर रिच डाइट लाइक रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, फ्राइड एंड स्पाइसी फूड, पिकल्स, अवॉइड बटर, घी, ऑयल, आइसक्रीम्स, ऑल डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, चीज, नॉन वेजिटेरियन फूड, कैश्यू, पीनट्स एंड अल्कोहल एटसेट्रा। अगर इन सब चीजों पे अमल करने के बाद भी 1-2 दिन में हालात बिगड़ते नजर आए तो डॉक्टर से कंसल्ट कर ट्रीटमेंट जरूर लें। वैसे तो मुझे पूरा यकीन है कि ऐसी नौबत नहीं आएगी अगर आप इसे सीरियसली फॉलो करेंगे तो। स्टे हेल्थी, स्टे ब्लेस्ड।